Dear students, in the last video I have covered the job sequencing of n jobs on two machines. Now I will cover the job sequencing of n jobs on three machines. Okay, n jobs on three machines. थ्री मशीन आपकी कुछ भी हो सकती है, ए बी सी. आपको जैसा कि क्वेश्चन कल मैंने न्यूमेरिकल कल करवाया था उसमें आपको दे रखे थे, दो मशीन दे रखी थी, ए और बी, और उन पे उन जॉब्स का टाइम पीरियड आपको दे रखा था कि वो इतने टाइम के लिए उन मशीन को यूज कर सकते हैं. लाइक इन दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो जो एन जॉब्स हैं वो इन मशीन पे उनका टाइम दे रखा है, टोटल टाइम टेकन बाई दीज मशीन. ठीक है, और आपको ये प्रॉब्लम भी जॉनसन्स मेथड से ही करनी है, बस ये थोड़ा सा मॉडिफाइड मेथड है. मॉडिफाइड इन द सेंस कि आपको ये जो थ्री मशीन प्रॉब्लम है इसको पहले टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक विद द हेल्प ऑफ जॉनसन्स मेथड. तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रही हूँ, वो आप समझ लीजिए. आप देखिए क्या क्या आपको गिवन है. जॉब्स आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5. मशीन ए पे, बी और सी, इन पे उनका टाइम दे रखा है 8, 10, 6, 7, 11. बी मशीन पे 5, 6, 2, 3, 4 एंड देन 4, 9, 8, 6, 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या देखना है, आप ये देखिए मशीन ए का जो मिनिमम टाइम है वो सिलेक्ट करना है. आप एग्जामिन कीजिए फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, इसका जो मिनिमम टाइम है वो क्या है, 6. जो लास्ट मशीन है उसका भी आपको मिनिमम टाइम सिलेक्ट करना है, आप चेक कीजिए इसका मिनिमम टाइम क्या है, 4. एंड मशीन जो आपकी मिडिल में मशीन है, मशीन बी, उसका आपको सिलेक्ट करना है मैक्सिमम टाइम, आप चेक कीजिए यहाँ से यहाँ तक उसका मैक्सिमम टाइम क्या है, 6. इसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है कि जो मिनिमम ऑफ ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी के, या मिनिमम ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ बी. अगर इनमें से ए भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आप ये जो थ्री मशीन प्रॉब्लम है इन्हें टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द सीक्वेंस ऑफ दीज जॉब्स लाइक जॉनसन्स मेथड. तो आप देखें यहाँ पे जो मिनिमम ऑफ ए है वो कितना है, 6, और वो इक्वल टू किसके है, मैक्सिमम ऑफ बी के, यानी कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सिंस मिनिमम ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. तो आप इस प्रॉब्लम को टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम दो मशीन डिफाइन कर लेते हैं, एक तो जी और एक एच, और उसका टाइम देखिए आप इस तरीके से निकालेंगे. जैसे जी मशीन को आप डिफाइन कर सकते हैं ए प्लस बी, और एच मशीन को आप डिफाइन कर सकते हैं बी प्लस सी, यानी कि आपको इन दोनों के टाइम ऐड करके लिखना है. तो 8 + 5 = 13, 10 + 6 = 16, 6 + 2 = 8, 7 + 3 = 10, 11 + 4 = 15. ऐसे ही आप कर सकते हैं एच मशीन के लिए, 5 + 4 = 9, 6 + 9 = 15, 2 + 8 = 10, 3 + 6 = 9 एंड देन 4 + 5 = 9. ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो थ्री मशीन प्रॉब्लम थी ए बी और सी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, दो मशीन प्रॉब्लम में. और इसकी सीक्वेंस जैसे कल मैंने आपको बताया था आप बिल्कुल वैसे ही फाइंड कर सकते हैं इसकी सीक्वेंस जैसे कल मैंने आपको मेथड में बताया था, और जो मैं एक बार आपको और डिफाइन कर देती हूँ. आपको जितनी जॉब्स दे रखी हैं उतने ब्लॉक्स बनाने हैं. कितनी जॉब्स आपको गिवन है यहाँ पे, 5, तो आपने कितने ब्लॉक बनाने हैं, 5. आप सिलेक्ट करिए फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट इसका मिनिमम टाइम क्या है, आप देखेंगे इसका मिनिमम टाइम क्या है, 8. अगर ये फर्स्ट मशीन के लिए है मिनिमम टाइम और ये आपकी जॉब्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, आप देखिए ये जो मिनिमम टाइम है वो किस मशीन के लिए है, फर्स्ट मशीन के लिए यानी कि जी मशीन के लिए.
तो ये जो थर्ड जॉब है आपकी स्टार्टिंग में ऐड हो गई, यानी कि थर्ड जॉब आपकी स्टार्टिंग में ऐड हो गई और इस थर्ड जॉब का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर देन आपको मिनिमम टाइम सेलेक्ट करना है। आप देखिए इसका मिनिमम टाइम है 9 9 9, ये 9 9 9 3 जगह आ रहा है और तीनों सेकेंड मशीन के लिए है। तो आप इसके लिए, ये जो आपकी फर्स्ट जॉब है, फोर्थ जॉब है और फाइव जॉब है, ये आप वहां से ऐड कर सकते हैं टिल द एंड। तो मैं फ्रॉम द लास्ट इसको ऐड कर देती हूँ, 5 4 1। ठीक, फ्रॉम द लास्ट मैंने स्टार्ट किया कि 5 मशीन लास्ट में आई, 4 मशीन यहाँ पे आई, फोर जॉब और फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग में। अब ये जो सीक्वेंस है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस नहीं हो सकती, कि कितनी भी सीक्वेंस हो सकती है लेकिन टाइम तो सबसे सेम आएगा। जैसे मैंने आप यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 5 लिया, आप चाहें तो यहाँ पे 5 1 4 कर सकते हैं या इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी टाइम पीरियड को पहले कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी एक ही जॉब बचती है 2, तो इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस आई है वो आई है 3 2 1 4 5। यानी कि अगर हमारी दो चीजें आपस में, दो टाइमिंग आपस में टाई करते हैं, तो उससे हमारी जो सीक्वेंस है वो कई सारी हो सकती है। मैंने पर्टिकुलर एक सीक्वेंस लिखी है, आप इससे कई सीक्वेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको, जैसे कल मैंने आपको सॉल्व करवाया था, वैसे ही मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपकी सीक्वेंस आ गई है, आपकी 3 मशीन प्रॉब्लम को हमने पहले 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करा, आफ्टर देन हमने जो लास्ट मेथड था उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे उसकी सीक्वेंस निकाल ली। तो इसकी सीक्वेंस आई है 3, यानी कि पहले थर्ड जॉब परफॉर्म होगी, आफ्टर देन सेकेंड, फिर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। उसके बाद हमें टोटल इलेप्स टाइम और आइडल टाइम फॉर मशीन ए, आइडल टाइम फॉर मशीन बी एंड आइडल टाइम फॉर मशीन सी हमें यहाँ पे निकालना है। इसके लिए आपको टेबल बनानी है, और टेबल वो जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसकी हेल्प से ही बनेगी। आप देखिए उसकी टेबल हम यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है सीक्वेंस ऑफ जॉब, ये मशीन ए के लिए, ये मशीन बी के लिए और ये मशीन सी के लिए। मशीन ए का टाइम इन एंड टाइम आउट, आफ्टर देन मशीन बी का टाइम इन एंड टाइम आउट, मशीन सी का टाइम इन एंड टाइम आउट। आपकी जो सीक्वेंस आई थी वो आई थी 3 2 1 4 5, ठीक है। अब मैंने कल भी आपको बताया था, सिंस यहाँ पे कोई स्टार्टिंग टाइम आपको गिवन नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग टाइम आपको कहाँ से लेके चलना है, 0 से, ठीक है। अब काम है आपका, जो आपको गिवन क्वेश्चन में उनका टाइम पीरियड दे रखा है वो आपको चेक करना है। आप देखिए थर्ड जॉब ए मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 6, तो यानी कि 0 प्लस 6 6। जब वो 6 तक काम करती है थर्ड जॉब के लिए, आफ्टर देन वो सेकंड जॉब आएगी, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा टाइम, 6 से। अब देखिए सेकंड जॉब फर्स्ट मशीन पे कितना टाइम ले रही है, सेकंड जॉब 10, तो 6 प्लस 10 16, फिर 16 तक उसने सेकंड जॉब ने काम करा, आफ्टर देन फर्स्ट जॉब आती है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 16 से। फर्स्ट जॉब कितना टाइम ले रही है, 8, तो 16 प्लस 8 24, आफ्टर देन 24, फोर्थ जॉब कितना टाइम ले रही है, 7, तो 24 प्लस 7 31, देन 31, फिफ्थ जॉब कितना टाइम ले रही है फर्स्ट जॉब के लिए, 11, तो कितना हो गया आपका, 42। ये आपका मशीन ए का काम कंप्लीट हुआ। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब थर्ड जॉब का ए मशीन पे काम कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर देन वो बी मशीन पे जा सकती है, तो 6 पे उसका काम कंप्लीट होगा 6 आवर्स में, तो वो किस टाइम पे जाएगी, थर्ड जॉब मशीन बी के पास 6 आवर्स में, ठीक है। और आप देखिए थर्ड जॉब बी मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 2, तो 6 प्लस 2 8। अब मैंने आपको बताया था कि मशीन बी का काम थर्ड जॉब के लिए 8 आवर्स पे कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड जॉब के लिए बी मशीन
कब ले सकती है, जब उसका ए मशीन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इसका और इसका आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम इसका क्या है, 16। अब आप देखिए सेकेंड जॉब बी मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 6। तो 16 + 6 = 22। फिर आपको चेक करना है इन दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ, 24। अब आप देखिए फर्स्ट जॉब कितना टाइम ले रही है, 5। तो 24 + 5 = 29। फिर इन दोनों का मैक्सिमम आपको देखना है, 31। फोर्थ जॉब कितना टाइम ले रही है, 3। तो 31 + 3 = 34। फिर आपको इन दोनों का मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, 42। और आप देखिए फिफ्थ जॉब कितना टाइम ले रही है, 4। तो 42 और 4 = 46। लाइक थर्ड जॉब सी मशीन के पास कब पहुंचेगी, जब आपका बी मशीन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहां स्टार्ट हो रही है, 8 पे, ठीक है, 8 आवर्स पे। अब आप देखिए थर्ड जॉब सी मशीन की, ये जो टाइमिंग है मैं ले रही हूँ, ये आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो ही टाइम आपको लेने हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो थर्ड जॉब है सी मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 8। तो 8 + 8 = 16। फिर आपको इन दोनों का मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, 22 आएगा। और फिर आप देखिए सेकेंड जॉब कितना टाइम ले रही है, 9। तो 22 + 9 = 31। फिर इन दोनों का मैक्सिमम 31 ही है, तो 31। और फर्स्ट जॉब कितना टाइम ले रही है सी मशीन के लिए, 4। तो 31 + 4 = 35। फिर आपको इन दोनों का सिलेक्ट करना है, 35। फोर्थ जॉब कितना टाइम ले रही है, 6। तो 35 + 6 = 41। फिर इन दोनों का आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, 46। अब आप देखिए फिफ्थ जॉब सी मशीन के लिए कितना टाइम ले रही है, 5। तो कितना हो गया टाइम, 51। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो मशीन ए बी सी है वो 0 से स्टार्ट करती है और लास्ट कब करती है, 51 आवर्स पे। यानी कि इनका जो काम है वो 0 आवर्स से लेके 51 आवर्स तक चला है, यानी कि टोटल इलेप्स टाइम जो है वो हमारा कितना हुआ है, 51 आवर्स। तो टोटल इलेप्स टाइम इसका हुआ है 51 आवर्स। अब आप देखिए आपको निकालना है आइडियल टाइम फॉर मशीन ए बी एंड सी। तो आइडियल टाइम फॉर मशीन ए हम देख रहे हैं, आप देखिए 0 से स्टार्ट करा, 6 तक काम कंप्लीट करा, फिर 6 से स्टार्ट करा, 16। आप देखिए ये स्टार्टिंग से यहां तक काम करते चली जा रही है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। 0 से 42 आवर्स तक उसने कंप्लीट काम करा, लेकिन 51 आवर्स तक टोटल काम हुआ है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 9 आवर्स, ठीक है। तो ए मशीन के लिए आइडियल टाइम कितना हो गया, 9 आवर्स, ठीक। इसी तरीके से हमें निकालना है बी मशीन का। बी मशीन ने 0 से स्टार्ट काम हुआ था, लेकिन बी मशीन को काम कब मिला, 6 आवर्स पे। यानी कि शुरू के 6 घंटे मशीन भी फ्री रही, प्लस आप देखिए 8 घंटे तक काम करा उसने, फिर उसे 16 पे मिला। यानी कि कितने घंटे का गैप हो गया यहाँ पे, 8 आवर्स का। प्लस ऐसे यहाँ पे देखिए 22 से 24 तक कितने आवर्स का गैप है, 2। 29 से 31 तक, 2। 34 से 42 तक कितना गैप हो गया, 8 आवर्स। और आप देखिए इसने 46 तक काम करा है, लेकिन हमारा काम कब तक चला है, 51 आवर्स तक। यानी कि 5 आवर्स आपके यहाँ पे और गैप हो रहा है ना। 46 प्लस मतलब 46 तक बी ने काम करा, लेकिन हमारा काम कब तक हो रहा है, 51 तक। तो हमें इन दोनों का गैप और देखना है, तो 5 आवर्स आपके ये और हो गए। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कितना हुआ टोटल, 806 15, 806 14, और 4 18, और 8 26, और 5 31 आवर्स। यानी कि जो बी मशीन है आपकी वो 31 आवर्स तक फ्री रहती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सी मशीन का आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ आइडियल टाइम फॉर मशीन सी, स्टार्टिंग के 8 आवर्स मशीन सी फ्री रही है, फिर देखिए 16 और 22 के बीच में कितना गैप है आपका, 6 आवर्स का। प्लस यहाँ पे कोई गैप नहीं है, यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ कितना गैप है, 5 आवर्स का, ठीक है। तो 8 और 6 = 14 + 5 = 19 आवर्स। तो हमारे टोटल कितने और आर हो गए यहाँ पे, 19। यानी कि ए कितने टाइम तक फ्री रही, 9 आवर्स तक, बी 31 आवर्स तक, और सी 19 आवर्स तक।
तो आप देखिए, आपने जो ये थ्री मशीन प्रॉब्लम है, ये पहले टू मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके इसकी सीक्वेंस निकाली, और जो कल मैथड मेथड आपको कराया था उसी मेथड से सेम आपने इन तीनों मशीनों का आइडल टाइम और टोटल इलेप्स टाइम निकाल लिया। अगर फिर भी आपको ये एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज रिवर्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मेल, ठीक है? अदरवाइज आप ये प्रॉब्लम करके देख सकते हैं, और बाकी प्रॉब्लम मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।